हाय दोस्तों, सलमान यार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रॉयल इनफील्ड न्यू मॉडल यूसी इंजन के गियर बॉक्स की सेटिंग करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि रॉयल इनफील्ड यूसी इंजन के गियर बॉक्स की सेटिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे एक्यूरेट की जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। जब आप नेक्स्ट टाइम गियर बॉक्स की सेटिंग करेंगे तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। हर एक पॉइंट के बारे में आपको बहुत ही आसानी से समझा कर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलती रहे। हम रॉयल इनफील्ड बाइक पे इसी तरीके की बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। और अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बहुत जल्द रिप्लाई कर दूंगा। सबसे पहले ये कट वाली वाइसर डाल देनी है, जैसे यहाँ पे कट है वैसे केसिंग में कट बना हुआ है, और इसको उसमें सेटिंग करके लगा देना है। तो अभी ये लग चुकी है, अब इसको करते हैं सेटिंग। तो ये देखिए, ये डबल गियर है, स्लाइड गियर भी बोलते हैं, और ये ऑपरेट करता है पांचवें गियर को और चौथे गियर को। अब फोर्क में आपको बता देते हैं, फोर्क को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, जो सिलेक्टर फोर्क हैं। तो यहाँ पर और मैं ढूंढ लेता हूँ, दो और किधर गए, ये वाले हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसकी पहचान क्या है वो आपको बता देते हैं। पहचान ये है कि ये वाला जो खांचा इधर आपको दिख रहा है, ये वाला, ये सबसे नीचे वाले में और सबसे ऊपर वाले में मिलेगा, बीच वाले में ये नहीं रहेगा, जो सेंटर में रहेगा उसमें नहीं रहेगा। तो इसको यहाँ पर लगा देना है और पीछे प्लेट में फंसा देना है। प्लेट में कैसे फंसाना है वो हम आपको बाद में दिखा देंगे। उसके बाद में यहाँ पर मेन शाफ्ट डाल देनी है, और ये चौथा गियर है जो कि मेन शाफ्ट में फिक्स होता है। अब उसके बाद में ये वाला फ्री गियर डालेंगे, यहाँ पर वाइसर लगी हुई है। इस वाले गियर को हाई गियर भी बोलते हैं। उसके ऊपर जो लगेगा ये, वो ये वाला गियर है हमारा, आपको दिखाते हैं ये वाला। इसमें कोई खाँचा एक साइड नहीं है, और इसको इस तरीके से लगा देना है। ये दूसरा गियर है, इसके ऊपर एक वाइसर होती है, वाइसर लगा देनी है, और ले शाफ्ट इसके अंदर डाल देना है। देखिए बैठ गया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती है इसको सेटिंग करने में ज़्यादा। उसके बाद में ये वाला जो गियर है, तो ये स्लाइड गियर है, मतलब ये ऊपर नीचे होता है। जब भी हम गियर डालते हैं उसकी पोजीशन चेंज करते हैं तो ऊपर नीचे होता है। तो ये वाला देखिए, सेंटर में फोर्क लगेगा, और इसको इसके अंदर डाल के इसको मेन शाफ्ट में डाल देना है, और ये ऑपरेट करेगा थर्ड गियर को। इसको प्लेट के दूसरे खांचे में फंसाना होता है। उसके बाद ये वाला डबल गियर है, और ये ऑपरेट करता है फर्स्ट गियर को और सेकंड गियर को। और अब देखिए, यहाँ पर इसको इस तरीके से डालना है, ऐसे यहाँ से डालेंगे, और ये डबल गियर भी इसमें लग चुका है। थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप प्लेट को मूव भी कर सकते हैं लगाते टाइम, अगर दिक्कत हो रही है तो गियर को मूव कर सकते हैं, शाफ्ट को भी, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी लग चुका है, प्लेट की सेटिंग भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद हमको लगा देना है ये थर्ड गियर, थर्ड गियर हमें मेन शाफ्ट में लगाना है। और इसके बाद बचता है हमारा फर्स्ट गियर, जो कि हमें ले शाफ्ट में लगाना है। ये रहा मेन गियर, ओ हाँ फर्स्ट गियर, और इसके ऊपर एक वाइसर होती है, वाइसर डालने के बाद फर्स्ट गियर लगा देंगे। इसकी सेटिंग कंप्लीट हो गई। आपको प्लेट की क्या लगाना है वो दिखाता हूँ। ये वाली वाइसर एक दूसरे चैम्बर की है, और एक क्रैंक का कॉलर है, तो इनको हम साइड में रख देंगे, पैक करते टाइम ये हमें यूज में आएंगे। अब आपको दिखाता हूँ कि प्लेट में देखिए, जो सबसे नीचे वाली फोर्क है वो सबसे नीचे वाले खांचे में फंसी हुई है, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। और उसके बाद में इधर पीछे से देखिए, सेंटर वाली ये नीचे है, और ऊपर वाली ये है सबसे ऊपर। उसके बाद इसकी रॉड इसमें फिक्स कर देनी है, ये रही रॉड, और रॉड में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, ऑयल लगा के फिक्स कर देंगे इसको। तो अभी इसको
गियर सिलेक्टर फोर्क में डाल देते हैं, यहाँ से डाल देना, थोड़ा सा इसको हिलाना इधर उधर, अगर ये बराबर नहीं जा रही है तो बैठ जाएगी, कोई ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर नहीं होती इसको बैठाने में। जब ये बैठेगी तो इसमें एक फीलिंग होती है कि हाँ ये चीज़ बैठ चुकी है, बस और कुछ नहीं है। तो अब ये गियर की जो सेटिंग है वो परफेक्ट हो चुकी है। आपको एक बार एक एक गियर डाल के दिखाते हैं कि कितना स्मूथ हो चुका है ये, और इसकी सेटिंग परफेक्ट हो चुकी है। अभी हमारा गाड़ी का न्यूट्रल पोजीशन है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये जब पॉइंट यहाँ पर आता है ये वाला, एक मिनट में आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट जब स्टेट होता है यहाँ पर तो समझ जाइए कि गाड़ी जो है वो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल पोजीशन पे अभी भी है। अब इसको गियर डालेंगे, देखिए अभी यहाँ पर सिर्फ ये हमारा जो मेन शाफ्ट है वो घूम रहा है, ठीक है, तो इसको पहला गियर इधर डालेंगे, देखिए यहाँ पर जो खाँचा बच रहा है ये डाल देंगे इसका पहला गियर, और ये देखिए पहला गियर जो है अभी पड़ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक बार फिर गाड़ी न्यूट्रल पॉइंट पे आ जाएगी, उसके बाद ये देखिए ये हो गया सेकंड गियर। सेकंड गियर के बाद में ये हो गया हमारा थर्ड गियर। थर्ड गियर के बाद अभी देखिए एक बार मैं और इसको घुमाता हूँ, ये हो गया फोर्थ गियर, और ये लास्ट का ये हो गया फाइव गियर। एक बार एक एक कम करेंगे गियर, तो अभी ये इसका फाइव गियर है तो हम फोर्थ गियर पे आते हैं, ये आ गई गाड़ी फोर्थ गियर पे, ठीक है, अभी आ गई थर्ड गियर पे, अभी आ गई सेकंड गियर में, अब आ गई न्यूट्रल पोजीशन पे। देखिए ये वाला शाफ्ट घूमना बंद हो गया, जो मेन शाफ्ट है वो घूम रहा है लेकिन ले शाफ्ट घूमना बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वापस से आ गई फर्स्ट में, देखिए अभी फर्स्ट ये वाला गियर काम कर रहा है, तो ये पूरी तरीके से जो गियर है उसकी हमारी जो सेटिंग है गियर बॉक्स की वो हो चुकी है। अब आगे क्या करना है वो भी आपको बताएंगे दोस्तों। इसको गियर में फिट करने में दो तरीके होते हैं, पहला तरीका हमने अगली वीडियो में बता रखा है, ये दूसरा तरीका है, इस तरीके से भी फिटिंग कर सकते हैं गियर को। तो देखिए एकदम स्मूथ हो चुका है ये, और यहाँ पर ऑयल वगैरह लगा के फिटिंग कर लेना होता है थोड़ा सा ऑयल करके, ताकि लुब्रिकेट रहे। अभी देखिए मैं आपको एक एक गियर भी दिखा सकता हूँ कौन सा गियर काम कर रहा है, आपको एक साइड से इधर से दिखाता हूँ अगर देखिए हो सकेगा तो। अभी फर्स्ट गियर है गाड़ी हमारी, एक बार हम आपको न्यूट्रल करके दिखाएंगे और उसके बाद एक एक गियर कैसे काम कर रहा है वो दिखाएंगे। देखिए अभी गैप है, गाड़ी न्यूट्रल पोजिशन में है, ये देखिए, ठीक है, ये वाली शाफ्ट रुकिए गियर के साथ घूम रहा है, और जैसे ही मैं गियर डालूंगा तो सबसे पहले जो गियर पड़ेगा तो वो ये वाला पड़ेगा, यहाँ की देखिए आप गैप दिख रही होगी, ये गैप लेवल हो जाएगी पहला गियर डालते ही। देखिए स्लाइड गियर आगे की तरफ आया और यहाँ से देखिए ये कनेक्ट हो गया, इसके बीच में पहला गियर पड़ गया गाड़ी में। अब डालेंगे सिकंड गियर, तो सिकंड से पहले हमको यहाँ से न्यूट्रल हो जाएगी गाड़ी, और उसके बाद जब सिकंड गियर डालेंगे तो देखिए वहाँ पर इसी शाफ्ट में ले शाफ्ट में लगेगा सिकंड गियर भी। देखिए अभी नहीं लगाए, थोड़ा सा घुमाना है प्लेट को, ये देखिए वहाँ वाली गैप बराबर हो गई, ठीक है, तो ये दो गियर इसमें आ गए अभी, और बाकी के तीन गियर ये वाली शाफ्ट में लगेंगे मेन शाफ्ट में, उधर से दिखाता हूँ एक बार। तो दो गियर जो हैं वो हमारी इस वाली ले शाफ्ट में आपको दिखाया फर्स्ट और सेकंड, उसके बाद हम थर्ड गियर डालेंगे जो, तो जब थर्ड गियर हम डालेंगे तो यहाँ से आपको एक बार दिखाता हूँ। अब थर्ड गियर हमारा कहाँ लगेगा, ये वाला थर्ड गियर है और इसके साथ में कनेक्ट होगा। देखिए मैं थर्ड गियर डाल रहा हूँ अभी, और अभी नहीं पड़ा ये, अब देखिए ये वाली जो शाफ्ट है वो यहाँ पर, देखिए एक बार वापस दिखाता हूँ, ये रही पीछे गई, सेकंड गियर में है गाड़ी और यहाँ पर गैप है, ठीक है, अब ये वाली गैप देखिए इसके बीच में
सेट हो जाएगी जैसे ही मैं थर्ड गियर डालूंगा। ये देखिए आ गया, थोड़ा सा घुमाएंगे, ये देखिए थर्ड गियर इसके साथ में कनेक्ट हो गया। अब उसके बाद में फोर्थ गियर कहाँ पर लगेगा, तो फोर्थ गियर देखिए यहाँ पर, ये वाली गैप में लगेगा। अभी यहाँ गैप है, एक मिनट, ये देखिए अभी यहाँ पर गैप है, और जैसे मैं फोर्थ गियर डालूँगा तो वो वाली गैप भर जाएगी। देखिए ये देखिए स्लाइड गियर आगे की तरफ गया और वहाँ की जो गैप है वो भर गई। ठीक है, अब इसका जो आखिरी गियर है पांचवा गियर, वो लगेगा इस पॉकेट शाफ्ट के साथ में। यहाँ पर देखिए इस पॉकेट शाफ्ट में जो खांचा कटा हुआ है, देखिए एक बार मैं डाल के दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर गैप है, देखिए उंगली जा रही है पूरी, और अब देखिए जब इसको गियर डाल दूँगा, ये देखिए गैप जो है वो पूरी तरीके से भर गया। तो इस तरीके से जो गियर है वो काम करते हैं। तो दोस्तों आपको गियर की सेटिंग में अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और सेटिंग जो प्रॉपर सेटिंग है वो इसी तरीके से की जाती है। देखिए अभी हमने आपको दो तीन बार गियर डाल के दिखाया और कौन सा गियर कब काम करता है कैसे करता है ये दिखाया। फर्स्ट सेकंड गियर हमारे जो हैं वो लेस आफ्ट में हैं, दो दो गियर ये, और बाकी के जो गियर हैं वो इस वाली मेन शाफ्ट में हैं, थर्ड फोर्थ फाइव। ठीक है, तो पांच गियर हैं और पांचों गियर की इस तरीके से वर्क और सेटिंग होती है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से गियर बॉक्स की सेटिंग की जाती है। देखिए कितनी आसानी से सेटिंग हो गया, और उसके बाद में हमने आपको एक एक गियर डाल के भी दिखा दिया, ये भी आपको बताया कौन सा गियर कैसे किस गियर को ऑपरेट करता है। तो कभी भी अगर आप इंजन खोलते हैं और आपको गियर बॉक्स में कोई दिक्कत होती है तो आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।